मुल्तान में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। इंग्लैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया था। विराट कोहली आगामी टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन की उम्मीदों के बीच 9000 रन पूरा करने से सिर्फ 53 रन दूर है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली की तारीफ की, उन्हें विश्व स्तरीय खिलाड़ी करार दिया और कहा कि रनों की भूख उन्हें चैंपियन बनाती है। गौतम गंभीर ने कहा, 1000 रन बनाने पर भी जीत की गारंटी नहीं है, गेंदबाजों का युग है जो जीत की नींव रखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले स्टीवन स्मिथ को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। यह बड़ा बदलाव कैमरन ग्रीन की अनुपस्थिति के कारण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। पहला मैच 4 नवंबर को मेलबर्न में होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले 15 से 17 नवंबर तक इंडिया से प्रैक्टिस मैच खेलेगी। पहला टेस्ट 22 नवंबर से शुरू होगा। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप किया। अब न्यूजीलैंड भारत दौरे पर 16 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज खेलेगा। दिल्ली में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया गया है। जसप्रीत बुमराह उपकप्तान बनाए गए हैं। दिल्ली में आज आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो रहा है। हरमनप्रीत कौर की टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगी।